अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चिकन चाउमीन की रेसिपी। इसके लिए मैंने चिकन को सबसे पहले मैरिनेट कर कर रख लिया था। अदरक लहसुन, एक पाव चिकन है ये, इसको मैंने अदरक लहसुन और नमक, काले मिर्च, सोया सॉस 1 चम्मच और 1 चम्मच सिरका, यानी कि वेनेगर, इन सारी चीज़ों के साथ मिक्स कर मैरिनेट करके 3-4 घंटे के लिए रख दिया था। जब भी आप चाइनीज़ की कोई भी डिश बनाएं तो आप चिकन को पहले से मैरिनेट कर लें, क्योंकि चाइनीज़ रेस्टोरेंट में हमेशा चिकन मैरिनेट यूज़ होती है उनके पास। इसीलिए आप भी कोशिश करें घर में जब भी बनाएं चिकन को पहले से मैरिनेट कर लें। चले अब मैं आपको बताती हूँ उसमें और क्या चाहिए। 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून शुगर और 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर, 1/2 लिया है मैंने चिकन क्यूब, 2 टेबल स्पून है मेरे पास सोया सॉस। अगर आपका सोया सॉस स्ट्रॉन्ग फ्लेवर का है तो आप 1 टेबल स्पून लें, और 1 टेबल स्पून है मेरे पास सिरका विनेगर, 1/2 कप है कैरेट, 1/2 कप है कैप्सिकम शिमला मिर्च, और 1 कप है मेरे पास ग्रीन अनियन, और रेड चिली पेस्ट है मेरे पास ये होममेड, 1 टेबल स्पून। अगर आपका होममेड नहीं है, बाहर का है, और वो इतना आपका स्पाइसी नहीं है, तो आप इसमें 2 टेबल स्पून भी ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करूँगी मैं चिकन में, चिकन को मैंने बेसिक तो उसकी मैरिनेशन कर दी थी, अब जस्ट मैं इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड करके इसको फ्राई करूंगी। कॉर्नफ्लावर से मैं इसको मिक्स कर लूंगी और मैं इसको फ्राई कर लूंगी। और 1/2 पैकेट है स्पैगेटी। अब मैं कर लूंगी चिकन को पहले फ्राई। पैन को गरम कर इसमें थोड़ा सा 2 चम्मच, या बल्कि थोड़ा सा ज़्यादा, ज़रा सा फ्राई करूँगी मैं, इसलिए 3 चम्मच आप बस इसमें ऑयल डाल ऐड कर लें। और ऑयल गरम होने पे ये आप चिकन को इसमें डाल लें, थोड़ी सी गरम हो जाएगी। इस तरह से मैं सारे चिकन को फ्राई कर लेती हूँ। चिकन मेरी फ्राई हो रही है, मैं सॉस रेडी कर लेती हूँ चिकन क्यूब में। थोड़ा सा लूंगी मैं पानी। इसको मैं थोड़ा सा गर्म पानी लीजिएगा ताकि ये अच्छे से डिसॉल्व हो जाए। इसलिए मैं आप सोया सॉस, विनेगर और ये चीनी, नमक और ब्लैक पेपर, तीनों चीज़ें आप इसमें ऐड कर लीजिएगा। साथ ही साथ ये चिली पेस्ट भी ऐड कर लीजिए। ये सॉस हमारी रेडी है जो कि हम स्पैगेटी की चाउमीन के ऊपर डालेंगे। वन साइड और फ्राई कर लीजिए, फिर इसको हम डिश आउट कर लेंगे, फिर अपने वेजिटेबल्स उतारेंगे। चिकन फ्राई हो चुकी है, अब मैं इसको डिश आउट कर लेती हूँ।
अब इसी ऑयल में मैं सब्जियों को फ्राई कर लूंगी। गाजर डाल दी मैंने, ग्रीन अनियन भी डाल दी है, मैंने इसको ओवर कुक नहीं करना, बस एक मिनट उससे भी कम बल्कि। और जो मैंने साथ ही स्पैगेटी बॉईल कर ली थी, नमक एक चम्मच नमक और एक चम्मच ऑयल डालकर स्पैगेटी बॉईल कर ली मैंने, जैसे इसको मैं 2 मिनट इसमें रखूंगी। ये सॉस जो मैंने बनाया था वो उसके ऊपर डाल दूंगी। फ्राइड चिकन चाउमीन इज रेडी। ये देखें कितना खूबसूरत इसका कलर आया है, रेड सॉस की वजह से ये हल्का हल्का सा रेड भी हो चुका है। स्पैगेटी चाउमीन हमारी रेडी है, अब इसको मैं डिश आउट कर देती हूँ। अब इसका कलर देखें, बहुत ही ज़बरदस्त और जूसी स्पैगेटी है। आपने इसमें मतलब वो सारी चीज़ें सॉस डालकर और उसके ऊपर चिकन डालकर के बाद बस 1 मिनट तक पकाना है। मैं इसको डिश आउट कर देती हूँ। चिकन चाउमीन आज की हमारी रेडी है। ये देखिए इसका कलर, आपको वेजिटेबल्स का कलर देखकर आपको अंदाजा हो रहा होगा कि मैंने बिल्कुल भी इसको ओवर कुक नहीं किया। और चिकन को भी मैंने अगर इसको तो पकाती तो चिकन भी हमारी सॉफ्ट हो जाती, इस तरह क्रिस्पी नहीं रहती। उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी, मुझे कमेंट करके बताइएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मेरी इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली रेसिपी में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।